हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाला हूँ इस चीज को पूरा खोलेंगे और उसके बाद इसको पूरा अपग्रेड करेंगे। क्या है ये चीज, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिए। नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो ये है टेप रिकॉर्डर और प्लेयर, रिकॉर्ड भी होता है और प्ले भी होता है। थोड़ा सा इस साइड से टूट गया है और ये पूरा खराब है। इसके अंदर ये घड़ी वाला सेल है, रिमोट वाला या फिर घड़ी वाला जो सेल होता है वो वाला सेल है। सेल इसके अंदर जाता है, दो सेल डालता है इसमें। तो मैंने डाल के देखा, ये पूरा डेड है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, कुछ LED वगैरह कुछ नहीं जल रहा था। तो मैंने सोचा कि इसे खोलते हैं और फिर खोल के इसे रिपेयर करते हैं, पहले तो वो सोचा था। उसके बाद मुझे लगा कि इसके अंदर जो कैसेट रहता है वो स्क्वायर एक्चुअली रेक्टेंगल वाला, तो वो कैसेट तो आजकल मिलता नहीं है, रिबन वाला। तो मैंने सोचा कि इसको खोल के पूरा इसको खोलूंगा, उसके बाद इसको ब्लूटूथ स्पीकर बनाऊंगा। इसका जो बटन है, इस बटन को भी मैं रखने वाला हूँ, ये जो बटन है। और साथ में ये बैटरी जो है, ये वाला बैटरी मैं नहीं डालूंगा क्योंकि इसमें पावर बहुत ही कम रहता है और दो बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो इसको मैं फुल्ली रिचार्जेबल बनाने वाला हूँ। तो ये पूरा काम एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा है कि दो वीडियो बनाया जाए इसका। पार्ट वन में मैं इसको खोलूंगा और खोल के आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलता है और उन सब का काम क्या क्या है, मैं वो बताऊंगा। और दूसरे वाले वीडियो में, पार्ट टू में, इसको मैं फुल ब्लूटूथ स्पीकर बना के दिखाऊंगा। ये जो क्लिप देख रहे हैं इसको कहीं पे हैंग करने के लिए, बहुत लोग पॉकेट में भी इसे रखते हैं ऐसे हैंग करके। इसको खोला भी जा सकता है, ये देखिए ये खुल गया और इसको रखता हूँ मैं साइड में। और अभी देखते हैं कि इसके अंदर से मुझे क्या क्या मिलता है, कुछ काम की चीज़ मिलता है कि नहीं। तो हो सकता है कि इसके अंदर जो मिले उससे मैं नेक्स्ट कुछ प्रोजेक्ट बनाऊँ, तो इसे खोल के देखते हैं। तो इसको खोलने के लिए मैं इसे पलट देता हूँ और इसको पहले ही मैंने निकाल के रखा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यहाँ पे चार स्क्रू मिलता है मुझे, तो मैं पहले इस चार स्क्रू को खोल लेता हूँ। चार स्क्रू को खोलने के लिए ये प्लस वाला जो स्क्रू ड्राइवर है इसको चाहिए होगा। तो मैं अभी फटाफट चारों स्क्रू को खोल के फिर आपको दिखाता हूँ। तो चारों स्क्रू को मैंने एक एक करके खोल दिया है, अभी ढक्कन को उतारने वाला हूँ मैं। अंदर से कुछ ऐसा है, इस साइड पे एक मोटर है जो कि 5 वोल्ट से चलने वाला है, 4 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट से, पर इसमें तो 3 वोल्ट ही आता है। तो 3 वोल्ट में भी ये अच्छे से चलता है। तो ये देखिए, मैं अगर इसको घुमाता हूँ मोटर को तो ये भी घूमता है। ये व्हील के इस पार जो है, ये देखिए मैं घुमा के दिखाता हूँ, ये अगर मैं घुमाता हूँ तो यहाँ का जो व्हील है मतलब कैसेट का वो भी घूमता है। तो ये नॉर्मल टाइम में नहीं घूमता है, अगर मैं प्ले स्विच को ऑन करूंगा ये देखिए, और उसके बाद मैं अगर इसको घुमाऊ तो ये देखिए ये घूम रहा है। इसके अंदर का जो व्हील है ये भी घूम रहा है, थोड़ा पास से दिखाता हूँ, ये देखिए तो ये भी घूम रहा है। और अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ तो ये अंदर से घूमना बंद हो जाता है, मतलब कि ये पूरा मैकेनिज्म में काम करता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं था, सिर्फ ये प्ले, ये स्टॉप और ये था रिकॉर्ड का बटन। और अगर गाना रिवाइंड करना हो तो ये वाला स्विच था, और अगर फास्ट फॉरवर्ड करना हो तो ये वाला स्विच था। बस यही स्विच इसके अंदर था, ये स्विच तो खुल भी गया, बहुत दिनों का था इसलिए ऐसा हो रहा है, पर कोई बात नहीं। इसको मैं पूरा अपग्रेड करूंगा और ये बन जाएगा ब्लूटूथ स्पीकर। तो मैं पहले इस PCB को खोल लेता हूँ और फिर इसको पलटूंगा मैं। और यहाँ पे एक माइक्रोफोन भी दिया गया है, ये देखिए कितना बड़ा माइक्रोफोन है, ये थोड़ा सा बड़ा साइज का है। नॉर्मली हेडफोन वगैरह में बहुत छोटा माइक्रोफोन दिया रहता है, बट इसमें थोड़ा सा बड़ा माइक्रोफोन है। और इसको पलटने की कोशिश करता हूँ मैं। तो देखिए पलटने के बाद मुझे यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ रजिस्टर है जो कि एक एक रजिस्टर का काम एक एक जगह पे है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, एक पोटेंशियोमीटर जिसे कि आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, ये वाला व्हील घुमा के। और यहाँ पे एक हेडफोन जैक, इसे हेडफोन भी कनेक्ट होता था। यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट, बेसिकली ये चार्जिंग सॉकेट नहीं है, एडाप्टर है, क्योंकि इसमें बैटरी का कोई रिचार्जेबल सिस्टम नहीं था, बस आप जो पुराना वाला मोबाइल चार्जर था उससे भी आप इसको चला सकते हैं। और यहाँ पे एक IC है जो कि ऑडियो सप्लाई देता था, ऑडियो को एम्पलीफाई करता था। और यहाँ पे एक वेरिएबल कैपेसिटर और कुछ कैपेसिटर्स जो कि ऑडियो को फिल्टर करता था। और यहाँ पे और एक IC है, एक IC का काम है रिकॉर्ड करना और एक IC का काम है जो डिस्क डालते थे हम लोग उसको एम्पलीफाई करना है, और एक ट्रांजिस्टर भी है इसमें। तो बस इसका काम यही है और बाकी ये बेसिकली मैकेनिज्म पे ही काम करता था। ये देखिए, अगर मैं रिकॉर्ड का बटन दबाऊँ तो यहाँ से एक प्लेट नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखिए। तो ये प्लेट बेसिकली इसका काम क्या है कि ये जो स्विच आप देख रहे हैं इसको दबा के रखना, और इसको दबाए रखने से रिकॉर्ड का बटन, यही रिकॉर्ड का बटन है, ये पुश बटन स्विच है बेसिकली। तो इसमें जब दबाव पड़ता था तब ये ट्रांजिस्टर ट्रिगर होता था और जो रिकॉर्डिंग है वो चालू हो जाता था। तो बस यही इसका सिंपल मैकेनिज्म है। यहाँ पे दो रेड और ब्लू जो कलर दिख रहे हैं ये दोनों, और ये ब्लैक दोनों वायर है। तो ये दोनों है LED का वायर, इसमें एक LED लाइट भी है यहाँ पे। और ये ब्लैक जो देख रहे हैं दो वायर, ये है स्पीकर का वायर। तो इसमें बेसिकली मोनो एम्पलीफायर है ये, तो दोनों को एक ही वायर से कनेक्ट किया गया है, पर मैं
एक स्टेडियो एम्पलीफायर बनाने वाला हूँ, तो दोनों को अलग अलग वायर से मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे एक एलईडी भी है, तो जब ये ऑन होता था और गाना बजता था तब ये एलईडी भी ग्लो होता था। तो एक एक करके मैं पूरा ये मैकेनिज्म मैं खोल लेता हूँ। इसमें ज्यादा दिखाने वाला नहीं है, सिर्फ कुछ गियर्स और व्हील है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसको मैं पहले खोल लेता हूँ। और क्योंकि मैं एक स्टेडियो ब्लूटूथ स्पीकर बनाने वाला हूँ और ये बोर्ड है मोनो, तो ये बोर्ड भी मेरा कोई काम का नहीं है, तो मैं जो वायर है उसको डिसोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ से उतार लेता हूँ। बाद में एक प्रोजेक्ट में मैं इससे एक एम्पलीफायर बना के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पीसीबी है इसको मैंने अलग कर लिया है और ये जो माइक्रोफोन है इसको भी अलग कर लिया है। तो ये अभी मेरे कोई काम का नहीं है। अभी बस ये जो मैकेनिज्म है पूरा इसको मैं खोलने वाला हूँ। और इसमें ज्यादा दिखाने वाला कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट इसमें ज्यादा नहीं है, जस्ट ये मोटर है। इसमें जस्ट एक वायर जा रहा है, बाकी जो वायर है वो उस तरफ जा रहा है, मतलब कि इस साइड पे आ रहा है वायर्स। और एक सेंसर का वायर है, वो भी मैं खोल के आपको दिखाऊंगा। जो सेंसर ये कैसेट से ये जो डिस्क डलता था इसमें, उसे सेंस करके म्यूजिक को आउटपुट करता था, उसको मैं खोल के दिखाने वाला हूँ। तो उसका वायर ये ब्लैक और वाइट जो देख रहे हैं आप, ये दोनों उस सेंसर का वायर है। इसमें जितना भी स्क्रू था वो सब मैंने खोल लिया है। और ये मोटर का स्क्रू, इसका थ्रेड नहीं मैच हो रहा था तो इसे इसको तोड़ना पड़ा यहाँ से। बाकी इसका कोई काम भी नहीं है अभी, तो तोड़ने से ज्यादा दिक्कत भी नहीं आने वाला है। तो मैं ये स्विच को खोल के रख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये स्विच मुझे बाद में जरूरत हो सकता है। और अगर सही से इसे सेट किया जाए यहाँ पे, तो मैं यही स्विच को ब्लूटूथ स्पीकर में भी यूज करने वाला हूँ, मतलब कि स्विच यही रहेगा अगर सेट हो पाए तो। अभी कुछ कह नहीं सकते। तो बस ये खुल गया है और ये मैकेनिज्म यही तक था। और जो सेंसर का बात मैं कर रहा था वो ये है, यही से कनेक्टेड है ये देखिए वायर। तो इसको भी मैं खोल के फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये खुल गया है और इसको आप देख सकते हैं। इसके ऊपर से जब रिबन जाता था तो एक वाइब्रेशन होता था, उसी वाइब्रेट को ये सेंस करता था और फिर म्यूजिक बजाता था। तो सिंपल मैकेनिज्म है बट बहुत ही दिमाग लगता है ऐसे चीज को बनाने के लिए। बाकी इसमें कुछ भी काम का सामान नहीं है, तो मैं इसको रख रहा हूँ साइड में। और जो स्विच है उन सबको मैं खोल के रख रहा हूँ, क्योंकि हो सकते कि इस स्विच से मैं काम करूं। तो इन स्विच को रख दिया साइड में, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है। ये सेंसर भी आजकल कोई काम में नहीं आता है, तो इसको रख रहा हूं मैं साइड पे। पर हाँ, इस जो पीसीबी है, ये जो पीसीबी है इसे मैं दूसरा एक प्रोजेक्ट बना के आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और ये मोटर को भी रखता हूं साइड में। और यहां पे देखते हैं कि सामने की तरफ स्पीकर कौन सा है। बेसिकली ये भी टूट गया है। बेसिकली बहुत अच्छा स्पीकर तो इसमें होने वाला नहीं है, तो इस पेपर को हटाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक टेप है, उसके लिए ये साइड ब्लू थोड़ा सा ब्लूइश हो जाता है। और इसको मैं अगर हटाऊँ तो कैमरे में आप देखिए, तो ये देखिए कलरलेस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक एलईडी है जो कि जब म्यूजिक बजता था तब ग्लो होता था। और ये दो स्पीकर है, स्पीकर ज्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको बदल दो। यही है अंदर से, ये जो बैटरी कंपार्टमेंट है इसको भी मैं हटाने वाला हूँ, क्योंकि ये बैटरी तो मैं यूज करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही कम पावर देगा और म्यूजिक का क्वालिटी भी बहुत डिक्रीज हो जाएगा। तो बस यही है, इसी से मैं एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाने वाला हूँ। बाकी कुछ सर्किट्स पीसीबी वगैरह मैं दूसरे वीडियोस में दिखाऊंगा कि मैं इसी से। तो बस अभी मुझे इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें से ये स्विचेस, हो सकता है कि इसे यूज़ करूँ अगर ठीक ठाक फिट बैठ जाता है तो। और ये दो स्पीकर्स को मैं यूज़ करूँगा, ये एलईडी को मैं सोच रहा हूँ कि बदल दूँ। और तीन कलर का जो एलईडी आता है वो मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ। बाकी ये फ्रेम है, इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में मैं इसी टेप प्लेयर और रिकॉर्डर को मैं एक ब्लूटूथ स्पीकर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो एक लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।